दोस्तों 1992-93 में जब बाबरी मस्जिद कांड के बाद मुंबई में बहुत भयानक दंगे हुए थे, उसी वक्त मुंबई में सुनील गावस्कर रहा करते थे और वे जिस अपार्टमेंट में रहते थे उस अपार्टमेंट में कई सारे क्रिकेटर्स भी रहा करते थे। और दोस्तों उसी अपार्टमेंट के सामने एक दंगाई भीड़ जमा हो गई, वो बहुत आक्रामक थी और वे एक दूसरे धर्म के एक ड्राइवर के आने का इंतजार कर रही थी जो कि अपने कार में अपने पूरे परिवार के साथ आ रहा था। और उस ड्राइवर की कार जैसे ही उस अपार्टमेंट के सामने पहुंची, उस भीड़ ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और उस कार पर हमला कर दिया। और इसी बीच सुनील गावस्कर ने बहादुरी दिखाते हुए सारे क्रिकेटर्स को जमा किया और फिर उन्होंने उस भीड़ के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इस ड्राइवर और उसके परिवार को मारने से पहले आपको हम पर हमला करना होगा। और इस चीज़ से इतने बड़े लीजेंड को सामने खड़े देखकर वह भीड़ शांत हो गई और उन्होंने उस ड्राइवर को और उसके परिवार को छोड़ दिया।